मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं दोस्तों अगर आप सलमान खान के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा आज की इस वीडियो में सलमान खान के करियर की सबसे बेहतरीन फिल्म मैंने प्यार किया कि रिव्यू आपको बताने वाले हैं इस मूवी ने कितना कलेक्शन किया था इसकी लागत कितनी थी यह बॉक्स ऑफिस पर किस तरीके से हिट साबित हुई थी फिल्म में कौन कौन से एक्टर्स और हीरोइनों ने काम किया है ये फिल्म कब रिलीज की गई थी और फिल्म जो है किस तरीके से बॉस बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन कर रही थी इन सभी के बारे में किरदारों के बारे में निर्देशन के बारे में संगीत के बारे में समय सीमा के बारे में भाषा के बारे में कब रिलीज किस देश में रिलीज हुई थी इन सभी के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा दोस्तों मैंने प्यार किया यह उन्नीस की फिल्म है जो कि सूरज भट के द्वारा निर्देशित की गई एक हिंदी भाषा की प्रेम कहानी फिल्म है प्रमुख भूमिकाओं में लीड रोल में जो नजर आने वाले कलाकार हैं वो सलमान खान हैं और भाग्यश्री हैं इसे राजश्री प्रोडक्शन के द्वारा बनाया गया था यह सूरज के निर्देशक के रूप में शुरुआत सलमान खान की पहली प्रमुख भूमिका पिछले वर्ष की बीवी हो तो ऐसी सहायक भूमिका के बाद रही थी और यह जो है फिल्म काफी अच्छी और हिट साबित हुई थी सबसे पहले आपको बता दें कि यह कमाई करने वाली सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक रही थी इसमें लक्ष्मीकांत बेरडे आलोकनाथ मोहिनीस बगल ने भी काम किया था इस कहानी की मुख्य किरदार में आपको देखा जाएगा इस फिल्म में आपको दिखाई देगा मुख्य रूप से करण यानी कि आलोकनाथ अपनी इकलौती बेटी सुमन यानी कि भाग्यश्री के साथ ग्रामीण इलाके में रहते हैं वो अपनी बेटी की शादी पैसे कमाने वाले दुबई जाने की सोचता है ये फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है काफ़ी मज़ेदार है जिसमें कि सलमान खान के करियर की सबसे बेहतरीन फिल्म ये साबित हो रही है क्योंकि यह फिल्म जो है मैंने प्यार किया इस फिल्म में आपको कई सारे अच्छे किरदार कई सारे अहम रोल देखने को मिलेंगे और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये मूवी है मूवी के रिव्यू भी काफ़ी ज़्यादा जबरदस्त जिंदाबाद आ रहे थे और ये भारत के साथ साथ कई अन्य देशों में भी हिट साबित हुई थी सलमान खान के करियर के सबसे महत्वपूर्ण फिल्मों में से यह एक फिल्म थी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही मैं बोलता मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं दोस्तों अगर आप सलमान खान के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा आज की इस वीडियो में सलमान खान के करियर की सबसे बेहतरीन फिल्म मैंने प्यार किया कि रिव्यू आपको बताने वाले हैं इस मूवी ने कितना कलेक्शन किया था इसकी लागत कितनी थी यह बॉक्स ऑफिस पर किस तरीके से हिट साबित हुई थी फिल्म में कौन कौन से एक्टर्स और हीरोइनों ने काम किया है यह फिल्म कब रिलीज की गई थी और फिल्म जो है किस तरीके से बॉस बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन कर रही थी इन सभी के बारे में किरदारों के बारे में निर्देशन के बारे में संगीत के बारे में समय सीमा के बारे में भाषा के बारे में कब रिलीज किस देश में रिलीज़ हुई थी इन सभी के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा दोस्तों मैंने प्यार किया ये उन्नीस की फिल्म है जो कि सूरज भट के द्वारा निर्देशित की गई एक हिंदी भाषा की प्रेम कहानी फिल्म है प्रमुख भूमिकाओं में लीड रोल में जो नज़र आने वाले कलाकार हैं वह सलमान खान हैं और भाग्यश्री हैं इसे राजश्री प्रोडक्शन के द्वारा बनाया गया था यह सूरज के निर्देशक के रूप में शुरुआत सलमान खान की पहली प्रमुख भूमिका पिछले वर्ष की वीवी हो तो ऐसी हिट साबित हुई थी सबसे पहले आपको बता दें कि यह कमाई करने वाली सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक रही थी इसमें लक्ष्मीकांत बेरडे आलोकनाथ मोहिनीस बगल ने भी काम किया था इस कहानी की मुख्य किरदार में आपको देखा जाएगा इस फिल्म में आपको दिखाई देगा मुख्य रूप से करण यानी कि अलूगुरात अपनी इकलौती बेटी सुमन यानी कि भाग्यश्वरी के साथ ग्रामीण इलाके में रहते हैं वो अपनी बेटी के साथ ही पैसे कमाने वाले दुबई जाने की सोचता है यह फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है काफ़ी मज़ेदार है जिसमें कि सलमान खान के करियर की सबसे बेहतरीन फिल्म ये साबित हो रही है क्योंकि यह फिल्म जो है मैंने प्यार किया इस फिल्म में आपको कई सारे अच्छे किरदार कई सारे अहम रोल देखने को मिलेंगे और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है मूवी के रिव्यू भी काफी ज्यादा जबरदस्त जिंदाबाद आ रहे थे और यह भारत के साथ साथ कई अन्य देशों में भी हिट साबित हुई थी सलमान खान के करियर की सबसे महत्वपूर्ण फिल्मों में से यह एक फिल्म थी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही मैं मिलता मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं दोस्तों अगर आप सलमान खान के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा आज की इस वीडियो में सलमान खान के करियर की सबसे बेहतरीन फिल्म मैंने प्यार किया कि रिव्यू आपको बताने वाले हैं इस मूवी ने कितना कलेक्शन किया था इसकी लागत कितनी थी यह बॉक्स ऑफिस पर किस तरीके से हिट साबित हुई थी फिल्म में कौन कौन से एक्टर्स और हीरोइनों ने काम किया है यह फिल्म कब रिलीज की गई थी और फिल्म जो है किस तरीके से बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन कर रही थी इन सभी के बारे में किरदारों के बारे में निर्देशन के बारे में संगीत के बारे में समय सीमा के बारे में भाषा के बारे में कब रिलीज किस देश में रिलीज हुई थी इन सभी के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा दोस्तों मैंने प्यार किया यह उन्नीस की फिल्म है जो कि सूरज भट के द्वारा निर्देशित की गई एक हिंदी भाषा की प्रेम कहानी फिल्म है प्रमुख भूमिकाओं में लीड रोल में जो नजर आने वाले कलाकार हैं वो सलमान खान हैं और भाग्यश्री हैं इसे राजश्री प्रोडक्शन के द्वारा बनाया गया था यह सूरज के निर्देशक के रूप में शुरुआत सलमान खान की पहली प्रमुख भूमिका पिछले वर्ष की बीवी हो तो ऐसी सहायक भूमिका के बाद रही थी और यह जो है फिल्म काफी अच्छी और हिट साबित हुई थी सबसे पहले आपको बता दें कि यह कमाई करने वाली सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक रही थी इसमें लक्ष्मीकांत बेरडे आलोकनाथ मोहिनीस बगल ने भी काम किया था इस कहानी की मुख्य किरदार में आपको देखा जाएगा इस फिल्म में आपको दिखाई देगा मुख्य रूप से करण यानी कि आलोकनाथ अपनी इकलौती बेटी सुमन यानी कि भाग्यश्वरी के साथ ग्रामीण इलाके में रहते हैं वो अपनी बेटी की शादी पैसे कमाने वाले दुबई जाने की सोचता है ये फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है काफ़ी मज़ेदार है जिसमें कि सलमान खान के करियर की सबसे बेहतरीन फिल्म ये साबित हो रही है क्योंकि यह फिल्म जो है मैंने प्यार किया इस फिल्म में आपको कई सारे अच्छे किरदार कई सारे अहम रोल देखने को मिलेंगे और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये मूवी है मूवी के रिव्यू भी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त जिंदाबाद आ रहे थे और यह भारत के साथ साथ कई अन्य देशों में भी हिट साबित हुई थी सलमान खान के करियर की सबसे महत्वपूर्ण फिल्मों में से यह एक फिल्म थी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही मैं बोलता मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं दोस्तों अगर आप सलमान खान के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा आज की इस वीडियो में सलमान खान के करियर की सबसे बेहतरीन फिल्म मैंने प्यार किया की कि रिव्यू आपको बताने वाले हैं इस मूवी ने कितना कलेक्शन किया था इसकी लागत कितनी थी यह बॉक्स ऑफिस पर किस तरीके से हिट साबित हुई थी फिल्म में कौन कौन से एक्टर्स और हीरोइनों ने काम किया है यह फिल्म कब रिलीज की गई थी और फिल्म जो है किस तरीके से बॉस बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन कर रही थी इन सभी के बारे में किरदारों के बारे में निर्देशन के बारे में संगीत के बारे में समय सीमा के बारे में भाषा के बारे में कब रिलीज किस देश में रिलीज हुई थी इन सभी के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा दोस्तों मैंने प्यार किया यह उन्नीस की फिल्म है जो कि सूरज बढ़ के द्वारा निर्देशित की गई एक हिंदी भाषा की प्रेम कहानी फिल्म है प्रमुख भूमिकाओं में लीड रोल में जो नजर आने वाले कलाकार हैं वो सलमान खान हैं और भाग्यश्री हैं इसे राजश्री प्रोडक्शन के द्वारा बनाया गया था यह सूरज के निर्देशक के रूप में शुरुआत सलमान खान की पहली प्रमुख भूमिका पिछले वर्ष की बीवी हो तो ऐसी सहायक भूमिका के बाद रही थी और यह जो है फिल्म काफी अच्छी और हिट साबित हुई थी सबसे पहले आपको बता दें कि यह कमाई करने वाली सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक रही थी इसमें लक्ष्मीकांत बेरडे आलोकनाथ मोहिनीस बगल ने भी काम किया था इस कहानी की मुख्य किरदार में आपको देखा जाएगा इस फिल्म में आपको दिखाई देगा मुख्य रूप से करण यानी कि अलूदास अपनी इकलौती बेटी सुमन यानी कि भाग्यश्वरी के साथ ग्रामीण इलाके में रहते हैं वो अपनी बेटी के साथ ही पैसे कमाने वाले दुबई जाने की सोचता है ये फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है काफ़ी मज़ेदार है जिसमें कि सलमान खान के करियर की सबसे बेहतरीन फिल्म ये साबित हो रही है क्योंकि यह फिल्म जो है मैंने प्यार किया इस फिल्म में आपको कई सारे अच्छे किरदार कई सारे अहम रोल देखने को मिलेंगे और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये मूवी है मूवी के रिव्यू भी काफी ज़्यादा जबरदस्त जिंदाबाद आ रहे थे और यह भारत के साथ साथ कई अन्य देशों में भी हिट साबित हुई थी सलमान खान के करियर की सबसे महत्वपूर्ण फिल्मों में से यह एक फिल्म थी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही मैं मिलता मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं दोस्तों अगर आप सलमान खान के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा आज की इस वीडियो में सलमान खान के करियर की सबसे बेहतरीन फिल्म मैंने प्यार किया की रिव्यू आपको बताने वाले हैं इस मूवी ने कितना कलेक्शन किया था इसकी लागत कितनी थी यह बॉक्स ऑफिस पर किस तरीके से हिट साबित हुई थी फिल्म में कौन कौन से एक्टर्स और हीरोइनों ने काम किया है यह फिल्म कब रिलीज की गई थी और फिल्म जो है किस तरीके से बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन कर रही थी इन सभी के बारे में किरदारों के बारे में निर्देशन के बारे में संगीत के बारे में समय सीमा के बारे में भाषा के बारे में कब रिलीज किस देश में रिलीज़ हुई थी इन सभी के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा दोस्तों मैंने प्यार किया यह उन्नीस की फिल्म है जो कि सूरज बढ़ के द्वारा निर्देशित की गई एक हिंदी भाषा की प्रेम कहानी फिल्म है प्रमुख भूमिकाओं में लीड रोल में जो नजर आने वाले कलाकार हैं वो सलमान खान हैं और भाग्यश्री हैं। इसे राजश्री प्रोडक्शन के द्वारा बनाया गया था यह सूरज के निर्देशक के रूप में शुरुआत सलमान खान की पहली प्रमुख भूमिका पिछले वर्ष की बीवी हो तो ऐसी सहायक भूमिका के बाद रही थी और यह जो है फिल्म काफी अच्छी और हिट साबित हुई थी सबसे पहले आपको बता दें कि यह कमाई करने वाली सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक रही थी इसमें लक्ष्मीकांत बेरडे आलोकनाथ मोहिनीस बगल ने भी काम किया था इस कहानी की मुख्य किरदार में आपको देखा जाएगा इस फिल्म में आपको दिखाई देगा मुख्य रूप से करण यानी कि आलोकनाथ अपनी इकलौती बेटी सुमन यानी कि भाग्यश्वरी के साथ ग्रामीण इलाके में रहते हैं वो अपनी बेटी की शादी पैसे कमाने वाले दुबई जाने की सोचता है ये फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है काफ़ी मज़ेदार है जिसमें कि सलमान खान के करियर की सबसे बेहतरीन फिल्म ये साबित हो रही है क्योंकि यह फिल्म जो है मैंने प्यार किया इस फिल्म में आपको कई सारे अच्छे किरदार कई सारे अहम रोल देखने को मिलेंगे और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग यह मूवी है मूवी के रिव्यू भी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त जिंदाबाद आ रहे थे और यह भारत के साथ साथ कई अन्य देशों में भी हिट साबित हुई थी सलमान खान के करियर की सबसे महत्वपूर्ण फिल्मों में से यह एक फिल्म थी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही मैं मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं दोस्तों अगर आप सलमान खान के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा आज की इस वीडियो में सलमान खान के करियर की सबसे बेहतरीन फिल्म मैंने प्यार किया की रिव्यू आपको बताने वाले हैं इस मूवी ने कितना कलेक्शन किया था इसकी लागत कितनी थी यह बॉक्स ऑफिस पर किस तरीके से हिट साबित हुई थी फिल्म में कौन कौन से एक्टर्स और हीरोइनों ने काम किया है यह फिल्म कब रिलीज की गई थी और फिल्म जो है किस तरीके से बॉस बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन कर रही थी इन सभी के बारे में किरदारों के बारे में निर्देशन के बारे में संगीत के बारे में समय सीमा के बारे में भाषा के बारे में कब रिलीज किस देश में रिलीज़ हुई थी इन सभी के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा दोस्तों मैंने प्यार किया ये उन्नीस की फिल्म है जो कि सूरज बढ़ के द्वारा निर्देशित की गई एक हिंदी भाषा की प्रेम कहानी फिल्म है प्रमुख भूमिकाओं में लीड रोल में जो नजर आने वाले कलाकार हैं वह सलमान खान हैं और भाग्यश्री हैं इसे राजश्री प्रोडक्शन के द्वारा बनाया गया था यह सूरज की निर्देशक के रूप में शुरुआत सलमान खान की पहली प्रमुख भूमिका पिछले वर्ष की बीवी हो तो ऐसी सहायक भूमिका के बाद रही थी और यह जो है फिल्म काफी अच्छी और हिट साबित हुई थी सबसे पहले आपको बता दें कि यह कमाई करने वाली सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक रही थी इसमें लक्ष्मीकांत बेरडे आलोकनाथ मोहिनीस बगल ने भी काम किया था इस कहानी की मुख्य किरदार में आपको देखा जाएगा इस फिल्म में आपको दिखाई देगा मुख्य रूप से करण यानी कि अल अपनी इकलौती बेटी सुमन यानी कि भाग्यश्वरी के साथ ग्रामीण इलाके में रहते हैं वो अपनी बेटी की शादी पैसे कमाने वाले दुबई जाने की सोचता है यह फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है काफ़ी मज़ेदार है जिसमें कि सलमान खान के करियर की सबसे बेहतरीन फिल्म ये साबित हो रही है क्योंकि यह फिल्म जो है मैंने प्यार किया इस फिल्म में आपको कई सारे अच्छे किरदार कई सारे अहम रोल देखने को मिलेंगे और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग ये मूवी है मूवी के रिव्यू भी काफी ज्यादा जबरदस्त जिंदाबाद आ रहे थे और ये भारत के साथ साथ कई अन्य देशों में भी हिट साबित हुई थी सलमान खान के करियर के सबसे महत्वपूर्ण फिल्मों में से यह एक फिल्म थी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही मैं मिलता मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं दोस्तों अगर आप सलमान खान के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा आज की इस वीडियो में सलमान खान के करियर की सबसे बेहतरीन फिल्म मैंने प्यार किया कि रिव्यू आपको बताने वाले हैं इस मूवी ने कितना कलेक्शन किया था इसकी लागत कितनी थी यह बॉक्स ऑफिस पर किस तरीके से हिट साबित हुई थी फिल्म में कौन कौन से एक्टर्स और हीरोइनों ने काम किया है यह फिल्म कब रिलीज की गई थी और फिल्म जो है किस तरीके से बॉस बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन कर रही थी इन सभी के बारे में किरदारों के बारे में निर्देशन के बारे में संगीत के बारे में समय सीमा के बारे में भाषा के बारे में कब रिलीज किस देश में रिलीज़ हुई थी इन सभी के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा दोस्तों मैंने प्यार किया यह उन्नीस की फिल्म है जो कि सूरज बढ़ के द्वारा निर्देशित की गई एक हिंदी भाषा की प्रेम कहानी फिल्म है प्रमुख भूमिकाओं में लीड रोल में जो नजर आने वाले कलाकार हैं वो सलमान खान हैं और भाग्यश्री हैं इसे राजश्री प्रोडक्शन के द्वारा बनाया गया था यह सूरज के निर्देशक के रूप में शुरुआत सलमान खान की पहली प्रमुख भूमिका पिछले वर्ष की बीवी हो तो ऐसी सहायक भूमिका के बाद रही थी और यह जो है फिल्म काफी अच्छी और हिट साबित हुई थी सबसे पहले आपको बता दें कि यह कमाई करने वाली सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक रही थी इसमें लक्ष्मीकांत बेरडे आलोकनाथ मोहिनीस बगल ने भी काम किया था इस कहानी की मुख्य किरदार में आपको देखा जाएगा इस फिल्म में आपको दिखाई देगा मुख्य रूप से करण यानी कि आलोकनाथ अपनी इकलौती बेटी सुमन यानी कि भाग्यश्वरी के साथ ग्रामीण इलाके में रहते हैं वो अपनी बेटी की शादी पैसे कमाने वाले दुबई जाने की सोचता है ये फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है काफ़ी मज़ेदार है जिसमें कि सलमान खान के करियर की सबसे बेहतरीन फिल्म ये साबित हो रही है क्योंकि यह फिल्म जो है मैंने प्यार किया इस फिल्म में आपको कई सारे अच्छे किरदार कई सारे अहम रोल देखने को मिलेंगे और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये मूवी है मूवी के रिव्यू भी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त जिंदाबाद आ रहे थे और ये भारत के साथ साथ कई अन्य देशों में भी हिट साबित हुई थी सलमान खान के करियर की सबसे महत्वपूर्ण फिल्मों में से यह एक फिल्म थी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही मैं मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं दोस्तों अगर आप सलमान खान के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा आज की इस वीडियो में सलमान खान के करियर की सबसे बेहतरीन फिल्म मैंने प्यार किया की रिव्यू आपको बताने वाले हैं इस मूवी ने कितना कलेक्शन किया था इसकी लागत कितनी थी यह बॉक्स ऑफिस पर किस तरीके से हिट साबित हुई थी फिल्म में कौन कौन से एक्टर्स और हीरोइनों ने काम किया है यह फिल्म कब रिलीज की गई थी और फिल्म जो है किस तरीके से बॉस बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन कर रही थी इन सभी के बारे में किरदारों के बारे में निर्देशन के बारे में संगीत के बारे में समय सीमा के बारे में भाषा के बारे में कब रिलीज किस देश में रिलीज़ हुई थी इन सभी के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा दोस्तों मैंने प्यार किया यह उन्नीस की फिल्म है जो कि सूरज बढ़ के द्वारा निर्देशित की गई एक हिंदी भाषा की प्रेम कहानी फिल्म है प्रमुख भूमिकाओं में लीड रोल में जो नज़र आने वाले कलाकार हैं वह सलमान खान हैं और भाग्यश्री हैं इसे राजश्री प्रोडक्शन के द्वारा बनाया गया था यह सूरज के निर्देशक के रूप में शुरुआत सलमान खान की पहली प्रमुख भूमिका तो पिछले वर्ष की ऐसी सहायक भूमिका के बाद रही थी और और यह जो है फिल्म काफी अच्छी हिट साबित हुई थी सबसे पहले आपको बता दें कि यह कमाई करने वाली सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक रही थी इसमें लक्ष्मीकांत बेरडे आलोकनाथ मोहिनीस बगल ने भी काम किया था इस कहानी की मुख्य किरदार में आपको देखा जाएगा इस फिल्म में आपको दिखाई देगा मुख्य रूप से करण यानी कि अलूगुरात अपनी इकलौती बेटी सुमन यानी कि भागेश्वरी के साथ ग्रामीण इलाके में रहते हैं वो अपनी बेटी के साथ ही पैसे कमाने वाले दुबई जाने की सोचता है यह फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है काफ़ी मज़ेदार है जिसमें कि सलमान खान के करियर की सबसे बेहतरीन फिल्म ये साबित हो रही है क्योंकि यह फिल्म जो है मैंने प्यार किया इस फिल्म में आपको कई सारे अच्छे किरदार कई सारे अहम रोल देखने को मिलेंगे और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग ये मूवी है मूवी के रिव्यू भी काफी ज्यादा जबरदस्त जिंदाबाद आ रहे थे और ये भारत के साथ साथ कई अन्य देशों में भी हिट साबित हुई थी सलमान खान के करियर के सबसे महत्वपूर्ण फिल्मों में से यह एक फिल्म थी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही मैं मिलता मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं दोस्तों अगर आप सलमान खान के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा आज की इस वीडियो में सलमान खान के करियर की सबसे बेहतरीन फिल्म मैंने प्यार किया कि रिव्यू आपको बताने वाले हैं इस मूवी ने कितना कलेक्शन किया था इसकी लागत कितनी थी यह बॉक्स ऑफिस पर किस तरीके से हिट साबित हुई थी फिल्म में कौन कौन से एक्टर्स और हीरोइनों ने काम किया है यह फिल्म कब रिलीज की गई थी और फिल्म जो है किस तरीके से बॉस बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन कर रही थी इन सभी के बारे में किरदारों के बारे में निर्देशन के बारे में संगीत के बारे में समय सीमा के बारे में भाषा के बारे में कब रिलीज किस देश में रिलीज हुई थी इन सभी के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा दोस्तों मैंने प्यार किया यह उन्नीस की फिल्म है जो कि सूरज बढ़ के द्वारा निर्देशित की गई एक हिंदी भाषा की प्रेम कहानी फिल्म है प्रमुख भूमिकाओं में लीड रोल में जो नजर आने वाले कलाकार हैं वो सलमान खान हैं और भाग्यश्री हैं इसे राजश्री प्रोडक्शन के द्वारा बनाया गया था यह सूरज के निर्देशक के रूप में शुरुआत सलमान खान की पहली प्रमुख भूमिका पिछले वर्ष की बीवी हो तो ऐसी सहायक भूमिका के बाद रही थी और यह जो है फिल्म काफी अच्छी और हिट साबित हुई थी सबसे पहले आपको बता दें कि यह कमाई करने वाली सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक रही थी इसमें लक्ष्मीकांत बेरडे आलोकनाथ मोहिनीस बगल ने भी काम किया था इस कहानी की मुख्य किरदार में आपको देखा जाएगा इस फिल्म में आपको दिखाई देगा मुख्य रूप से करण यानी कि आलोकनाथ अपनी इकलौती बेटी सुमन यानी कि भाग्यश्वरी के साथ ग्रामीण इलाके में रहते हैं वो अपनी बेटी की शादी पैसे कमाने वाले दुबई जाने की सोचता है ये फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है काफ़ी मज़ेदार है जिसमें कि सलमान खान के करियर की सबसे बेहतरीन फिल्म ये साबित हो रही है क्योंकि यह फिल्म जो है मैंने प्यार किया इस फिल्म में आपको कई सारे अच्छे किरदार कई सारे अहम रोल देखने को मिलेंगे और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये मूवी है मूवी के रिव्यू भी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त जिंदाबाद आ रहे थे और ये भारत के साथ साथ कई अन्य देशों में भी हिट साबित हुई थी सलमान खान के करियर की सबसे महत्वपूर्ण फिल्मों में से यह एक फिल्म थी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही मैं मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं दोस्तों अगर आप सलमान खान के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा आज की इस वीडियो में सलमान खान के करियर की सबसे बेहतरीन फिल्म मैंने प्यार किया की कि रिव्यू आपको बताने वाले हैं इस मूवी ने कितना कलेक्शन किया था इसकी लागत कितनी थी यह बॉक्स ऑफिस पर किस तरीके से हिट साबित हुई थी फिल्म में कौन कौन से एक्टर्स और हीरोइनों ने काम किया है ये फिल्म कब रिलीज़ की गई थी और फिल्म जो है किस तरीके से बॉस बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन कर रही थी इन सभी के बारे में किरदारों के बारे में निर्देशन के बारे में संगीत के बारे में समय सीमा के बारे में भाषा के बारे में कब रिलीज किस देश में रिलीज़ हुई थी इन सभी के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा दोस्तों मैंने प्यार किया यह उन्नीस की फिल्म है जो कि सूरज बढ़ के द्वारा निर्देशित की गई एक हिंदी भाषा की प्रेम कहानी फिल्म है प्रमुख भूमिकाओं में लीड रोल में जो नजर आने वाले कलाकार हैं वो सलमान खान हैं और भाग्यश्री हैं इसे राजश्री प्रोडक्शन के द्वारा बनाया गया था यह सूरज के निर्देशक के रूप में शुरुआत सलमान खान की पहली प्रमुख भूमिका पिछले वर्ष की बीवी हो तो ऐसी सहायक भूमिका के बाद रही थी और यह जो है फिल्म काफी अच्छी और हिट साबित हुई थी सबसे पहले आपको बता दें कि यह कमाई करने वाली सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक रही थी इसमें लक्ष्मीकांत बेरडे आलोकनाथ मोहिनीस बगल ने भी काम किया था इस कहानी की मुख्य किरदार में आपको देखा जाएगा इस फिल्म में आपको दिखाई देगा मुख्य रूप से करण यानी कि अलूगुरात अपनी इकलौती बेटी सुमन यानी कि भाग्यश्वरी के साथ ग्रामीण इलाके में रहते हैं वो अपनी बेटी के साथ ही पैसे कमाने वाले दुबई जाने की सोचता है ये फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है काफ़ी मज़ेदार है जिसमें कि सलमान खान के करियर की सबसे बेहतरीन फिल्म ये साबित हो रही है क्योंकि यह फिल्म जो है मैंने प्यार किया इस फिल्म में आपको कई सारे अच्छे किरदार कई सारे अहम रोल देखने को मिलेंगे और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग ये मूवी है मूवी के रिव्यू भी काफी ज्यादा जबरदस्त जिंदाबाद आ रहे थे और ये भारत के साथ साथ कई अन्य देशों में भी हिट साबित हुई थी सलमान खान के करियर के सबसे महत्वपूर्ण फिल्मों में से यह एक फिल्म थी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही मैं मिलता हूँ मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं दोस्तों अगर आप सलमान खान के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा आज की इस वीडियो में सलमान खान के करियर की सबसे बेहतरीन फिल्म मैंने प्यार किया की रिव्यू आपको बताने वाले हैं इस मूवी ने कितना कलेक्शन किया था इसकी लागत कितनी थी यह बॉक्स ऑफिस पर किस तरीके से हिट साबित हुई थी फिल्म में कौन कौन से एक्टर्स और हीरोइनों ने काम किया है यह फिल्म कब रिलीज की गई थी और फिल्म जो है किस तरीके से बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन कर रही थी इन सभी के बारे में किरदारों के बारे में निर्देशन के बारे में संगीत के बारे में समय सीमा के बारे में भाषा के बारे में कब रिलीज किस देश में रिलीज हुई थी इन सभी के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है तो वीडियो, है वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा दोस्तों मैंने प्यार किया यह उन्नीस की फिल्म है जो कि सूरज बढ़ के द्वारा निर्देशित की गई एक हिंदी भाषा की प्रेम कहानी फिल्म है प्रमुख भूमिकाओं में लीड रोल में जो नजर आने वाले कलाकार हैं वो सलमान खान हैं और भाग्यश्री हैं इसे राजश्री प्रोडक्शन के द्वारा बनाया गया था यह सूरज के निर्देशक के रूप में शुरुआत सलमान खान की पहली प्रमुख भूमिका पिछले वर्ष की बीवी हो तो ऐसी सहायक भूमिका के बाद रही थी और यह जो है फिल्म काफी अच्छी और हिट साबित हुई थी सबसे पहले आपको बता दें कि यह कमाई करने वाली सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक रही थी इसमें लक्ष्मीकांत बेरडे आलोकनाथ मोहिनीस बगल ने भी काम किया था इस कहानी की मुख्य किरदार में आपको देखा जाएगा इस फिल्म में आपको दिखाई देगा मुख्य रूप से करण यानी कि आलोकनाथ अपनी इकलौती बेटी सुमन यानी कि भागेश्वरी के साथ ग्रामीण इलाके में रहते हैं वो अपनी बेटी की शादी पैसे कमाने वाले दुबई जाने की सोचता है ये फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है काफ़ी मज़ेदार है जिसमें कि सलमान खान के करियर की सबसे बेहतरीन फिल्म ये साबित हो रही है क्योंकि यह फिल्म जो है मैंने प्यार किया इस फिल्म में आपको कई सारे अच्छे किरदार कई सारे अहम रोल देखने को मिलेंगे और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये मूवी है मूवी के रिव्यू भी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त जिंदाबाद आ रहे थे और यह भारत के साथ साथ कई अन्य देशों में भी हिट साबित हुई थी सलमान खान के करियर की सबसे महत्वपूर्ण फिल्मों में से यह एक फिल्म थी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही मैं मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं दोस्तों अगर आप सलमान खान के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा आज की इस वीडियो में सलमान खान के करियर की सबसे बेहतरीन फिल्म मैंने प्यार किया की रिव्यू आपको बताने वाले हैं इस मूवी ने कितना कलेक्शन किया था इसकी लागत कितनी थी यह बॉक्स ऑफिस पर किस तरीके से हिट साबित हुई थी फिल्म में कौन कौन से एक्टर्स और हीरोइनों ने काम किया है यह फिल्म कब रिलीज की गई थी और फिल्म जो है किस तरीके से बॉस बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन कर रही थी इन सभी के बारे में किरदारों के बारे में निर्देशन के बारे में संगीत के बारे में समय सीमा के बारे में भाषा के बारे में कब रिलीज किस देश में रिलीज हुई थी इन सभी के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा दोस्तों मैंने प्यार किया ये उन्नीस की फिल्म है जो कि सूरज बढ़ के द्वारा निर्देशित की गई एक हिंदी भाषा की प्रेम कहानी फिल्म है प्रमुख भूमिकाओं में लीड रोल में जो नजर आने वाले कलाकार हैं वो सलमान खान हैं और भाग्यश्री हैं इसे राजश्री प्रोडक्शन के द्वारा बनाया गया था यह सूरज की निर्देशक के रूप में शुरुआत सलमान खान की पहली प्रमुख भूमिका पिछले वर्ष की बीवी हो तो ऐसी सहायक भूमिका के बाद रही थी और यह जो है फिल्म काफी अच्छी और हिट साबित हुई थी सबसे पहले आपको बता दें कि यह कमाई करने वाली सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक रही थी इसमें लक्ष्मीकांत बेरडे आलोकनाथ मोहिनीस बगल ने भी काम किया था इस कहानी की मुख्य किरदार में आपको देखा जाएगा इस फिल्म में आपको दिखाई देगा मुख्य रूप से करण यानी कि अल उग्रात अपनी इकलौती बेटी सुमन यानी कि भाग्यश्वरी के साथ ग्रामीण इलाके में रहते हैं वो अपनी बेटी की शादी पैसे कमाने वाले दुबई जाने की सोचता है यह फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है काफ़ी मज़ेदार है जिसमें कि सलमान खान के करियर की सबसे बेहतरीन फिल्म ये साबित हो रही है क्योंकि यह फिल्म जो है मैंने प्यार किया इस फिल्म में आपको कई सारे अच्छे किरदार कई सारे अहम रोल देखने को मिलेंगे और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये मूवी है मूवी के रिव्यू भी काफ़ी ज़्यादा जबरदस्त जिंदाबाद आ रहे थे और यह भारत के साथ साथ कई अन्य देशों में भी हिट साबित हुई थी सलमान खान के करियर की सबसे महत्वपूर्ण फिल्मों में से यह एक फिल्म थी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही मैं वेलकम मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं दोस्तों अगर आप सलमान खान के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा आज की इस वीडियो में सलमान खान के करियर की सबसे बेहतरीन फिल्म मैंने प्यार किया कि रिव्यू आपको बताने वाले हैं इस मूवी ने कितना कलेक्शन किया था इसकी लागत कितनी थी यह बॉक्स ऑफिस पर किस तरीके से हिट साबित हुई थी फिल्म में कौन कौन से एक्टर्स और हीरोइनों ने काम किया है यह फिल्म कब रिलीज की गई थी और फिल्म जो है किस तरीके से बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन कर रही थी इन सभी के बारे में किरदारों के बारे में निर्देशन के बारे में संगीत के बारे में समय सीमा के बारे में भाषा के बारे में कब रिलीज किस देश में रिलीज़ हुई थी इन सभी के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा दोस्तों मैंने प्यार किया यह उन्नीस की फिल्म है जो कि सूरज भटजायता के द्वारा निर्देशित की गई एक हिंदी भाषा की प्रेम कहानी फिल्म है प्रमुख भूमिकाओं में लीड रोल में जो नजर आने वाले कलाकार हैं वो सलमान खान हैं और भाग्यश्री हैं। इसे राजश्री प्रोडक्शन के द्वारा बनाया गया था यह सूरज के निर्देशक के रूप में शुरुआत सलमान खान की पहली प्रमुख भूमिका पिछले वर्ष की बीवी हो तो ऐसी सहायक भूमिका के बाद रही थी और यह जो है फिल्म काफी अच्छी और हिट साबित हुई थी सबसे पहले आपको बता दें कि यह कमाई करने वाली सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक रही थी इसमें लक्ष्मीकांत बेरडे आलोकनाथ मोहिनीस बगल ने भी काम किया था इस कहानी की मुख्य किरदार में आपको देखा जाएगा इस फिल्म में आपको दिखाई देगा मुख्य रूप से करण यानी कि आलोकनाथ अपनी इकलौती बेटी सुमन यानी कि भाग्यश्वरी के साथ ग्रामीण इलाके में रहते हैं वो अपनी बेटी की शादी पैसे कमाने वाले दुबई जाने की सोचता है ये फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है काफ़ी मज़ेदार है जिसमें कि सलमान खान के करियर की सबसे बेहतरीन फिल्म ये साबित हो रही है क्योंकि यह फिल्म जो है मैंने प्यार किया इस फिल्म में आपको कई सारे अच्छे किरदार कई सारे अहम रोल देखने को मिलेंगे और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये मूवी है मूवी के रिव्यू भी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त जिंदाबाद आ रहे थे और ये भारत के साथ साथ कई अन्य देशों में भी हिट साबित हुई थी सलमान खान के करियर की सबसे महत्वपूर्ण फिल्मों में से यह एक फिल्म थी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही मैं वेल मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं दोस्तों अगर आप सलमान खान के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा आज की इस वीडियो में सलमान खान के करियर की सबसे बेहतरीन फिल्म मैंने प्यार किया की कि रिव्यू आपको बताने वाले हैं इस मूवी ने कितना कलेक्शन किया था इसकी लागत कितनी थी यह बॉक्स ऑफिस पर किस तरीके से हिट साबित हुई थी फिल्म में कौन कौन से एक्टर्स और हीरोइनों ने काम किया है यह फिल्म कब रिलीज की गई थी और फिल्म जो है किस तरीके से बॉस बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन कर रही थी इन सभी के बारे में किरदारों के बारे में निर्देशन के बारे में संगीत के बारे में समय सीमा के बारे में भाषा के बारे में कब रिलीज किस देश में रिलीज़ हुई थी इन सभी के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा दोस्तों मैंने प्यार किया ये उन्नीस की फिल्म है जो कि सूरज भट के द्वारा निर्देशित की गई एक हिंदी भाषा की प्रेम कहानी फिल्म है प्रमुख भूमिकाओं में लीड रोल में जो नज़र आने वाले कलाकार हैं वह सलमान खान हैं और भाग्यश्री हैं इसे राजश्री प्रोडक्शन के द्वारा बनाया गया था यह सूरज के निर्देशक के रूप में शुरुआत सलमान खान की पहली प्रमुख भूमिका पिछले वर्ष की हिट साबित हुई थी सबसे पहले आपको बता दें कि यह कमाई करने वाली सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक रही थी इसमें लक्ष्मीकांत बेरडे आलोकनाथ मोहिनीस बगल ने भी काम किया था इस कहानी की मुख्य किरदार में आपको देखा जाएगा इस फिल्म में आपको दिखाई देगा मुख्य रूप से करण यानी कि अलूगुरात अपनी इकलौती बेटी सुमन यानी कि भागेश्वरी के साथ ग्रामीण इलाके में रहते हैं वो अपनी बेटी के साथ ही पैसे कमाने वाले दुबई जाने की सोचता है यह फिल्म काफी इंटरेस्टिंग है काफ़ी मज़ेदार है जिसमें कि सलमान खान के करियर की सबसे बेहतरीन फिल्म ये साबित हो रही है क्योंकि यह फिल्म जो है मैंने प्यार किया इस फिल्म में आपको कई सारे अच्छे किरदार कई सारे अहम रोल देखने को मिलेंगे और काफी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये मूवी है मूवी के रिव्यू भी काफ़ी ज़्यादा जबरदस्त जिंदाबाद आ रहे थे और ये भारत के साथ साथ कई अन्य देशों में भी हिट साबित हुई थी सलमान खान के करियर के सबसे महत्वपूर्ण फिल्मों में से यह एक फिल्म थी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही मैं मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं दोस्तों अगर आप सलमान खान के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा आज की इस वीडियो में सलमान खान के करियर की सबसे बेहतरीन फिल्म मैंने प्यार किया कि रिव्यू आपको बताने वाले हैं इस मूवी ने कितना कलेक्शन किया था इसकी लागत कितनी थी यह बॉक्स ऑफिस पर किस तरीके से हिट साबित हुई थी फिल्म में कौन कौन से एक्टर्स और हीरोइनों ने काम किया है यह फिल्म कब रिलीज की गई थी और फिल्म जो है किस तरीके से बॉस बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन कर रही थी इन सभी के बारे में किरदारों के बारे में निर्देशन के बारे में संगीत के बारे में समय सीमा के बारे में भाषा के बारे में कब रिलीज किस देश में रिलीज हुई थी इन सभी के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है तो वीडियो, है वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा दोस्तों मैंने प्यार किया यह उन्नीस की फिल्म है जो कि सूरज बढ़ के द्वारा निर्देशित की गई एक हिंदी भाषा की प्रेम कहानी फिल्म है प्रमुख भूमिकाओं में लीड रोल में जो नजर आने वाले कलाकार हैं वो सलमान खान हैं और भाग्यश्री हैं इसे राजश्री प्रोडक्शन के द्वारा बनाया गया था यह सूरज के निर्देशक के रूप में शुरुआत सलमान खान की पहली प्रमुख भूमिका पिछले वर्ष की बीवी हो तो ऐसी सहायक भूमिका के बाद रही थी और यह जो है फिल्म काफी अच्छी और हिट साबित हुई थी सबसे पहले आपको बता दें कि यह कमाई करने वाली सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक रही थी इसमें लक्ष्मीकांत बेरडे आलोकनाथ मोहिनीस बगल ने भी काम किया था इस कहानी की मुख्य किरदार में आपको देखा जाएगा इस फिल्म में आपको दिखाई देगा मुख्य रूप से करण यानी कि आलोकनाथ अपनी इकलौती बेटी सुमन यानी कि भाग्यश्री के साथ ग्रामीण इलाके में रहते हैं वो अपनी बेटी की शादी पैसे कमाने वाले दुबई जाने की सोचता है ये फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है काफ़ी मज़ेदार है जिसमें कि सलमान खान के करियर की सबसे बेहतरीन फिल्म ये साबित हो रही है क्योंकि यह फिल्म जो है मैंने प्यार किया इस फिल्म में आपको कई सारे अच्छे किरदार कई सारे अहम रोल देखने को मिलेंगे और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये मूवी है मूवी के रिव्यू भी काफ़ी ज़्यादा जबरदस्त जिंदाबाद आ रहे थे और ये भारत के साथ साथ कई अन्य देशों में भी हिट साबित हुई थी सलमान खान के करियर की सबसे महत्वपूर्ण फिल्मों में से यह एक फिल्म थी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही मैं मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं दोस्तों अगर आप सलमान खान के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा आज की इस वीडियो में सलमान खान के करियर की सबसे बेहतरीन फिल्म मैंने प्यार किया की रिव्यू आपको बताने वाले हैं इस मूवी ने कितना कलेक्शन किया था इसकी लागत कितनी थी या बॉक्स ऑफिस पर किस तरीके से हिट साबित हुई थी फिल्म में कौन कौन से एक्टर्स और हीरोइनों ने काम किया है ये फिल्म कब रिलीज़ की गई थी और फिल्म जो है किस तरीके से बॉस बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन कर रही थी इन सभी के बारे में किरदारों के बारे में निर्देशन के बारे में संगीत के बारे में समय सीमा के बारे में भाषा के बारे में कब रिलीज किस देश में रिलीज़ हुई थी इन सभी के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा दोस्तों मैंने प्यार किया यह उन्नीस की फिल्म है जो कि सूरज बढ़ के द्वारा निर्देशित की गई एक हिंदी भाषा की प्रेम कहानी फिल्म है प्रमुख भूमिकाओं में लीड रोल में जो नजर आने वाले कलाकार हैं वो सलमान खान हैं और भाग्यश्री हैं इसे राजश्री प्रोडक्शन के द्वारा बनाया गया था यह सूरज के निर्देशक के रूप में शुरुआत सलमान खान की पहली प्रमुख भूमिका पिछले वर्ष की वीवी हो तो ऐसी के बाद रही थी और यह जो है फिल्म काफी अच्छी और हिट साबित हुई थी सबसे पहले आपको बता दें कि यह कमाई करने वाली सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक रही थी इसमें लक्ष्मीकांत बेरडे आलोकनाथ मोहिनीस बगल ने भी काम किया था इस कहानी की मुख्य किरदार में आपको देखा जाएगा इस फिल्म में आपको दिखाई देगा मुख्य रूप से करण यानी कि अलूगुडात अपनी इकलौती बेटी सुमन यानी कि भागेश्वरी के साथ ग्रामीण इलाके में रहते हैं वो अपनी बेटी के साथ ही पैसे कमाने वाले दुबई जाने की सोचता है यह फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है काफ़ी मज़ेदार है जिसमें कि सलमान खान के करियर की सबसे बेहतरीन फिल्म ये साबित हो रही है क्योंकि यह फिल्म जो है मैंने प्यार किया इस फिल्म में आपको कई सारे अच्छे किरदार कई सारे अहम रोल देखने को मिलेंगे और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है मूवी के रिव्यू भी काफी ज्यादा जबरदस्त जिंदाबाद आ रहे थे और यह भारत के साथ साथ कई अन्य देशों में भी हिट साबित हुई थी सलमान खान के करियर के सबसे महत्वपूर्ण फिल्मों में से यह एक फिल्म थी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही मैं मिलता मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं दोस्तों अगर आप सलमान खान के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा आज की इस वीडियो में सलमान खान के करियर की सबसे बेहतरीन फिल्म मैंने प्यार किया की कि रिव्यू आपको बताने वाले हैं इस मूवी ने कितना कलेक्शन किया था इसकी लागत कितनी थी यह बॉक्स ऑफिस पर किस तरीके से हिट साबित हुई थी फिल्म में कौन कौन से एक्टर्स और हीरोइनों ने काम किया है यह फिल्म कब रिलीज की गई थी और फिल्म जो है किस तरीके से बॉस बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन कर रही थी इन सभी के बारे में किरदारों के बारे में निर्देशन के बारे में संगीत के बारे में समय सीमा के बारे में भाषा के बारे में कब रिलीज किस देश में रिलीज हुई थी इन सभी के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है तो वीडियो, है वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा दोस्तों मैंने प्यार किया यह उन्नीस की फिल्म है जो कि सूरज बढ़ के द्वारा निर्देशित की गई एक हिंदी भाषा की प्रेम कहानी फिल्म है प्रमुख भूमिकाओं में लीड रोल में जो नजर आने वाले कलाकार हैं वो सलमान खान हैं और भाग्यश्री हैं इसे राजश्री प्रोडक्शन के द्वारा बनाया गया था यह सूरज के निर्देशक के रूप में शुरुआत सलमान खान की पहली प्रमुख भूमिका पिछले वर्ष की बीवी हो तो ऐसी सहायक भूमिका के बाद रही थी और यह जो है फिल्म काफी अच्छी और हिट साबित हुई थी सबसे पहले आपको बता दें कि यह कमाई करने वाली सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक रही थी इसमें लक्ष्मीकांत बेरडे आलोकनाथ मोहिनीस बगल ने भी काम किया था इस कहानी की मुख्य किरदार में आपको देखा जाएगा इस फिल्म में आपको दिखाई देगा मुख्य रूप से करण यानी कि आलोकनाथ अपनी इकलौती बेटी सुमन यानी कि भागेश्वरी के साथ ग्रामीण इलाके में रहते हैं वो अपनी बेटी की शादी पैसे कमाने वाले दुबई जाने की सोचता है ये फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है काफ़ी मज़ेदार है जिसमें कि सलमान खान के करियर की सबसे बेहतरीन फिल्म ये साबित हो रही है क्योंकि यह फिल्म जो है मैंने प्यार किया इस फिल्म में आपको कई सारे अच्छे किरदार कई सारे अहम रोल देखने को मिलेंगे और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग यह मूवी है मूवी के रिव्यू भी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त जिंदाबाद आ रहे थे और यह भारत के साथ साथ कई अन्य देशों में भी हिट साबित हुई थी सलमान खान के करियर की सबसे महत्वपूर्ण फिल्मों में से यह एक फिल्म थी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही मैं मिलू मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं दोस्तों अगर आप सलमान खान के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा आज की इस वीडियो में सलमान खान के करियर की सबसे बेहतरीन फिल्म मैंने प्यार किया की रिव्यू आपको बताने वाले हैं इस मूवी ने कितना कलेक्शन किया था इसकी लागत कितनी थी यह बॉक्स ऑफिस पर किस तरीके से हिट साबित हुई थी फिल्म में कौन कौन से एक्टर्स और हीरोइनों ने काम किया है यह फिल्म कब रिलीज की गई थी और फिल्म जो है किस तरीके से बॉस बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन कर रही थी इन सभी के बारे में किरदारों के बारे में निर्देशन के बारे में संगीत के बारे में समय सीमा के बारे में भाषा के बारे में कब रिलीज किस देश में रिलीज हुई थी इन सभी के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा दोस्तों मैंने प्यार किया यह उन्नीस की फिल्म है जो कि सूरज बढ़ के द्वारा निर्देशित की गई एक हिंदी भाषा की प्रेम कहानी फिल्म है प्रमुख भूमिकाओं में लीड रोल में जो नजर आने वाले कलाकार हैं वो सलमान खान हैं और भाग्यश्री हैं इसे राजश्री प्रोडक्शन के द्वारा बनाया गया था यह सूरज की निर्देशक के रूप में शुरुआत सलमान खान की पहली प्रमुख भूमिका पिछले वर्ष की हिट साबित हुई थी सबसे पहले आपको बता दें कि यह कमाई करने वाली सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक रही थी इसमें लक्ष्मीकांत बेरडे आलोकनाथ मोहिनीस बगल ने भी काम किया था इस कहानी की मुख्य किरदार में आपको देखा जाएगा इस फिल्म में आपको दिखाई देगा मुख्य रूप से करण यानी कि अलूगदात अपनी इकलौती बेटी सुमन यानी कि भाग्यश्वरी के साथ ग्रामीण इलाके में रहते हैं वो अपनी बेटी के साथ ही पैसे कमाने वाले दुबई जाने की सोचता है ये फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है काफ़ी मज़ेदार है जिसमें कि सलमान खान के करियर की सबसे बेहतरीन फिल्म ये साबित हो रही है क्योंकि यह फिल्म जो है मैंने प्यार किया इस फिल्म में आपको कई सारे अच्छे किरदार कई सारे अहम रोल देखने को मिलेंगे और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग ये मूवी है मूवी के रिव्यू भी काफी ज्यादा जबरदस्त जिंदाबाद आ रहे थे और यह भारत के साथ साथ कई अन्य देशों में भी हिट साबित हुई थी सलमान खान के करियर की सबसे महत्वपूर्ण फिल्मों में से यह एक फिल्म थी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही मैं वेलकम मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं दोस्तों अगर आप सलमान खान के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा आज की इस वीडियो में सलमान खान के करियर की सबसे बेहतरीन फिल्म मैंने प्यार किया कि रिव्यू आपको बताने वाले हैं इस मूवी ने कितना कलेक्शन किया था इसकी लागत कितनी थी यह बॉक्स ऑफिस पर किस तरीके से हिट साबित हुई थी फिल्म में कौन कौन से एक्टर्स और हीरोइनों ने काम किया है यह फिल्म कब रिलीज़ की गई थी और फिल्म जो है किस तरीके से बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन कर रही थी इन सभी के बारे में किरदारों के बारे में निर्देशन के बारे में संगीत के बारे में समय सीमा के बारे में भाषा के बारे में कब रिलीज किस देश में रिलीज़ हुई थी इन सभी के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा दोस्तों मैंने प्यार किया यह उन्नीस की फिल्म है जो कि सूरज बढ़ के द्वारा निर्देशित की गई एक हिंदी भाषा की प्रेम कहानी फिल्म है प्रमुख भूमिकाओं में लीड रोल में जो नजर आने वाले कलाकार हैं वह सलमान खान हैं और भाग्यश्री हैं इसे राजश्री प्रोडक्शन के द्वारा बनाया गया था यह सूरज के निर्देशक के रूप में शुरुआत सलमान खान की पहली प्रमुख भूमिका पिछले वर्ष की बीवी हो तो ऐसी सहायक भूमिका के बाद रही थी और यह जो है फिल्म काफी अच्छी और हिट साबित हुई थी सबसे पहले आपको बता दें कि यह कमाई करने वाली सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक रही थी इसमें लक्ष्मीकांत बेरडे आलोकनाथ मोहिनीस बगल ने भी काम किया था इस कहानी की मुख्य किरदार में आपको देखा जाएगा इस फिल्म में आपको दिखाई देगा मुख्य रूप से करण यानी कि आलोकनाथ अपनी इकलौती बेटी सुमन यानी कि भाग्यश्वरी के साथ ग्रामीण इलाके में रहते हैं वो अपनी बेटी की शादी पैसे कमाने वाले दुबई जाने की सोचता है ये फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है काफ़ी मज़ेदार है जिसमें कि सलमान खान के करियर की सबसे बेहतरीन फिल्म ये साबित हो रही है क्योंकि यह फिल्म जो है मैंने प्यार किया इस फिल्म में आपको कई सारे अच्छे किरदार कई सारे अहम रोल देखने को मिलेंगे और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग यह मूवी है मूवी के रिव्यू भी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त जिंदाबाद आ रहे थे और यह भारत के साथ साथ कई अन्य देशों में भी हिट साबित हुई थी सलमान खान के करियर की सबसे महत्वपूर्ण फिल्मों में से यह एक फिल्म थी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही मैं मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं दोस्तों अगर आप सलमान खान के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा आज की इस वीडियो में सलमान खान के करियर की सबसे बेहतरीन फिल्म मैंने प्यार किया की कि रिव्यू आपको बताने वाले हैं इस मूवी ने कितना कलेक्शन किया था इसकी लागत कितनी थी यह बॉक्स ऑफिस पर किस तरीके से हिट साबित हुई थी फिल्म में कौन कौन से एक्टर्स और हीरोइनों ने काम किया है यह फिल्म कब रिलीज की गई थी और फिल्म जो है किस तरीके से बॉस बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन कर रही थी इन सभी के बारे में किरदारों के बारे में निर्देशन के बारे में संगीत के बारे में समय सीमा के बारे में भाषा के बारे में कब रिलीज किस देश में रिलीज़ हुई थी इन सभी के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा दोस्तों मैंने प्यार किया ये उन्नीस की फिल्म है जो कि सूरज भट के द्वारा निर्देशित की गई एक हिंदी भाषा की प्रेम कहानी फिल्म है प्रमुख भूमिकाओं में लीड रोल में जो नज़र आने वाले कलाकार हैं वह सलमान खान हैं और भाग्यश्री हैं इसे राजश्री प्रोडक्शन के द्वारा बनाया गया था यह सूरज के निर्देशक के रूप में शुरुआत सलमान खान की पहली प्रमुख भूमिका पिछले वर्ष की हिट साबित हुई थी सबसे पहले आपको बता दें कि यह कमाई करने वाली सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक रही थी इसमें लक्ष्मीकांत बेरडे आलोकनाथ मोहिनीस बगल ने भी काम किया था इस कहानी की मुख्य किरदार में आपको देखा जाएगा इस फिल्म में आपको दिखाई देगा मुख्य रूप से करण यानी कि अलूग्राद अपनी इकलौती बेटी सुमन यानी कि भाग्यश्वरी के साथ ग्रामीण इलाके में रहते हैं वो अपनी बेटी के साथ ही पैसे कमाने वाले दुबई जाने की सोचता है यह फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है काफ़ी मज़ेदार है जिसमें कि सलमान खान के करियर की सबसे बेहतरीन फिल्म ये साबित हो रही है क्योंकि यह फिल्म जो है मैंने प्यार किया इस फिल्म में आपको कई सारे अच्छे किरदार कई सारे अहम रोल देखने को मिलेंगे और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है जिंदाबाद के साथ साथ कई देशों में भी हिट हुई थी सलमान खान के करियर के सबसे महत्वपूर्ण मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं दोस्तों अगर आप सलमान खान के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा आज की इस वीडियो में सलमान खान के करियर की सबसे बेहतरीन फिल्म मैंने प्यार किया कि रिव्यू आपको बताने वाले हैं इस मूवी ने कितना कलेक्शन किया था इसकी लागत कितनी थी यह बॉक्स ऑफिस पर किस तरीके से हिट साबित हुई थी फिल्म में कौन कौन से एक्टर्स और हीरोइनों ने काम किया है यह फिल्म कब रिलीज की गई थी और फिल्म जो है किस तरीके से बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन कर रही थी इन सभी के बारे में किरदारों के बारे में निर्देशन के बारे में संगीत के बारे में समय सीमा के बारे में भाषा के बारे में कब रिलीज किस देश में रिलीज हुई थी इन सभी के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा दोस्तों मैंने प्यार किया यह उन्नीस की फिल्म है जो कि सूरज भरजायता के द्वारा निर्देशित की गई एक हिंदी भाषा की प्रेम कहानी फिल्म है प्रमुख भूमिकाओं में लीड रोल में जो नजर आने वाले कलाकार हैं वो सलमान खान हैं और भाग्यश्री हैं इसे राजश्री प्रोडक्शन के द्वारा बनाया गया था यह सूरज के निर्देशक के रूप में शुरुआत सलमान खान की पहली प्रमुख भूमिका पिछले वर्ष की बीवी हो तो ऐसी सहायक भूमिका के बाद रही थी और यह जो है फिल्म काफी अच्छी और हिट साबित हुई थी सबसे पहले आपको बता दें कि यह कमाई करने वाली सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक रही थी इसमें लक्ष्मीकांत बेरडे आलोकनाथ मोहिनीस बगल ने भी काम किया था इस कहानी की मुख्य किरदार में आपको देखा जाएगा इस फिल्म में आपको दिखाई देगा मुख्य रूप से करण यानी कि आलोकनाथ अपनी इकलौती बेटी सुमन यानी कि भाग्यश्री के साथ ग्रामीण इलाके में रहते हैं वो अपनी बेटी की शादी पैसे कमाने वाले दुबई जाने की सोचता है ये फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है काफ़ी मज़ेदार है जिसमें कि सलमान खान के करियर की सबसे बेहतरीन फिल्म ये साबित हो रही है क्योंकि यह फिल्म जो है मैंने प्यार किया इस फिल्म में आपको कई सारे अच्छे किरदार कई सारे अहम रोल देखने को मिलेंगे और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये मूवी है मूवी के रिव्यू भी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त जिंदाबाद आ रहे थे और ये भारत के साथ साथ कई अन्य देशों में भी हिट साबित हुई थी सलमान खान के करियर की सबसे महत्वपूर्ण फिल्मों में से यह एक फिल्म थी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही मैं वेलकम मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं दोस्तों अगर आप सलमान खान के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा आज की इस वीडियो में सलमान खान के करियर की सबसे बेहतरीन फिल्म मैंने प्यार किया कि रिव्यू आपको बताने वाले हैं इस मूवी ने कितना कलेक्शन किया था इसकी लागत कितनी थी यह बॉक्स ऑफिस पर किस तरीके से हिट साबित हुई थी फिल्म में कौन कौन से एक्टर्स और हीरोइनों ने काम किया है ये फिल्म कब रिलीज़ की गई थी और फिल्म जो है किस तरीके से बॉस बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन कर रही थी इन सभी के बारे में किरदारों के बारे में निर्देशन के बारे में संगीत के बारे में समय सीमा के बारे में भाषा के बारे में कब रिलीज किस देश में रिलीज़ हुई थी इन सभी के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा दोस्तों मैंने प्यार किया यह उन्नीस की फिल्म है जो कि सूरज भट के द्वारा निर्देशित की गई एक हिंदी भाषा की प्रेम कहानी फिल्म है प्रमुख भूमिकाओं में लीड रोल में जो नज़र आने वाले कलाकार हैं वो सलमान खान हैं और भाग्यश्री हैं इसे राजश्री प्रोडक्शन के द्वारा बनाया गया था यह सूरज के निर्देशक के रूप में शुरुआत सलमान खान की पहली प्रमुख भूमिका पिछले वर्ष की बीवी हो तो ऐसी सहायक भूमिका के बाद रही थी और यह जो है फिल्म काफी अच्छी और हिट साबित हुई थी सबसे पहले आपको बता दें कि यह कमाई करने वाली सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक रही थी इसमें लक्ष्मीकांत बेरडे आलोकनाथ मोहिनीस बगल ने भी काम किया था इस कहानी की मुख्य किरदार में आपको देखा जाएगा इस फिल्म में आपको दिखाई देगा मुख्य रूप से करण यानी कि अलूगुरात अपनी इकलौती बेटी सुमन यानी कि भागेश्वरी के साथ ग्रामीण इलाके में रहते हैं वो अपनी बेटी के साथ ही पैसे कमाने वाले दुबई जाने की सोचता है यह फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है काफ़ी मज़ेदार है जिसमें कि सलमान खान के करियर की सबसे बेहतरीन फिल्म ये साबित हो रही है क्योंकि यह फिल्म जो है मैंने प्यार किया इस फिल्म में आपको कई सारे अच्छे किरदार कई सारे अहम रोल देखने को मिलेंगे और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग ये मूवी है मूवी के रिव्यू भी काफी ज्यादा जबरदस्त जिंदाबाद आ रहे थे और यह भारत के साथ साथ कई अन्य देशों में भी हिट साबित हुई थी सलमान खान के करियर के सबसे महत्वपूर्ण फिल्मों में से यह एक फिल्म थी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही मैं मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं दोस्तों अगर आप सलमान खान के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा आज की इस वीडियो में सलमान खान के करियर की सबसे बेहतरीन फिल्म मैंने प्यार किया कि रिव्यू आपको बताने वाले हैं इस मूवी ने कितना कलेक्शन किया था इसकी लागत कितनी थी यह बॉक्स ऑफिस पर किस तरीके से हिट साबित हुई थी फिल्म में कौन कौन से एक्टर्स और हीरोइनों ने काम किया है यह फिल्म कब रिलीज की गई थी और फिल्म जो है किस तरीके से बॉस बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन कर रही थी इन सभी के बारे में किरदारों के बारे में निर्देशन के बारे में संगीत के बारे में समय सीमा के बारे में भाषा के बारे में कब रिलीज किस देश में रिलीज हुई थी इन सभी के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा दोस्तों मैंने प्यार किया यह उन्नीस की फिल्म है जो कि सूरज बढ़ के द्वारा निर्देशित की गई एक हिंदी भाषा की प्रेम कहानी फिल्म है प्रमुख भूमिकाओं में लीड रोल में जो नजर आने वाले कलाकार हैं वो सलमान खान हैं और भाग्यश्री हैं इसे राजश्री प्रोडक्शन के द्वारा बनाया गया था यह सूरज के निर्देशक के रूप में शुरुआत सलमान खान की पहली प्रमुख भूमिका पिछले वर्ष की बीवी हो तो ऐसी सहायक भूमिका के बाद रही थी और यह जो है फिल्म काफी अच्छी और हिट साबित हुई थी सबसे पहले आपको बता दें कि यह कमाई करने वाली सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक रही थी इसमें लक्ष्मीकांत बेरडे आलोकनाथ मोहिनीस बगल ने भी काम किया था इस कहानी की मुख्य किरदार में आपको देखा जाएगा इस फिल्म में आपको दिखाई देगा मुख्य रूप से करण यानी कि आलोकनाथ अपनी इकलौती बेटी सुमन यानी कि भाग्यश्वरी के साथ ग्रामीण इलाके में रहते हैं वो अपनी बेटी की शादी पैसे कमाने वाले दुबई जाने की सोचता है ये फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है काफ़ी मज़ेदार है जिसमें कि सलमान खान के करियर की सबसे बेहतरीन फिल्म ये साबित हो रही है क्योंकि यह फिल्म जो है मैंने प्यार किया इस फिल्म में आपको कई सारे अच्छे किरदार कई सारे अहम रोल देखने को मिलेंगे और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये मूवी है मूवी के रिव्यू भी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त जिंदाबाद आ रहे थे और ये भारत के साथ साथ कई अन्य देशों में भी हिट साबित हुई थी सलमान खान के करियर की सबसे महत्वपूर्ण फिल्मों में से यह एक फिल्म थी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही मैं मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं दोस्तों अगर आप सलमान खान के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा आज की इस वीडियो में सलमान खान के करियर की सबसे बेहतरीन फिल्म मैंने प्यार किया की कि रिव्यू आपको बताने वाले हैं इस मूवी ने कितना कलेक्शन किया था इसकी लागत कितनी थी यह बॉक्स ऑफिस पर किस तरीके से हिट साबित हुई थी फिल्म में कौन कौन से एक्टर्स और हीरोइनों ने काम किया है यह फिल्म कब रिलीज की गई थी और फिल्म जो है किस तरीके से बॉस बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन कर रही थी इन सभी के बारे में किरदारों के बारे में निर्देशन के बारे में संगीत के बारे में समय सीमा के बारे में भाषा के बारे में कब रिलीज किस देश में रिलीज हुई थी इन सभी के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा दोस्तों मैंने प्यार किया यह उन्नीस की फिल्म है जो कि सूरज बढ़ के द्वारा निर्देशित की गई एक हिंदी भाषा की प्रेम कहानी फिल्म है प्रमुख भूमिकाओं में लीड रोल में जो नज़र आने वाले कलाकार हैं वो सलमान खान हैं और भाग्यश्री हैं इसे राजश्री प्रोडक्शन के द्वारा बनाया गया था यह सूरज के निर्देशक के रूप में शुरुआत सलमान खान की पहली प्रमुख भूमिका पिछले वर्ष की बीवी हो तो ऐसी सहायक भूमिका के बाद रही थी और यह जो है फिल्म काफी अच्छी और हिट साबित हुई थी सबसे पहले आपको बता दें कि यह कमाई करने वाली सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक रही थी इसमें लक्ष्मीकांत बेरडे आलोकनाथ मोहिनीस बगल ने भी काम किया था इस कहानी की मुख्य किरदार में आपको देखा जाएगा इस फिल्म में आपको दिखाई देगा मुख्य रूप से करण यानी कि अलूगदात अपनी इकलौती बेटी सुमन यानी कि भागेश्वरी के साथ ग्रामीण इलाके में रहते हैं वो अपनी बेटी के साथ ही पैसे कमाने वाले दुबई जाने की सोचता है यह फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है काफ़ी मज़ेदार है जिसमें कि सलमान खान के करियर की सबसे बेहतरीन फिल्म ये साबित हो रही है क्योंकि यह फिल्म जो है मैंने प्यार किया इस फिल्म में आपको कई सारे अच्छे किरदार कई सारे अहम रोल देखने को मिलेंगे और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग ये मूवी है मूवी के रिव्यू भी काफी ज्यादा जबरदस्त जिंदाबाद आ रहे थे और यह भारत के साथ साथ कई अन्य देशों में भी हिट साबित हुई थी सलमान खान के करियर के सबसे महत्वपूर्ण फिल्मों में से यह एक फिल्म थी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही मैं मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं दोस्तों अगर आप सलमान खान के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा आज की इस वीडियो में सलमान खान के करियर की सबसे बेहतरीन फिल्म मैंने प्यार किया की कि रिव्यू आपको बताने वाले हैं इस मूवी ने कितना कलेक्शन किया था इसकी लागत कितनी थी यह बॉक्स ऑफिस पर किस तरीके से हिट साबित हुई थी फिल्म में कौन कौन से एक्टर्स और हीरोइनों ने काम किया है यह फिल्म कब रिलीज की गई थी और फिल्म जो है किस तरीके से बॉस बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन कर रही थी इन सभी के बारे में किरदारों के बारे में निर्देशन के बारे में संगीत के बारे में समय सीमा के बारे में भाषा के बारे में कब रिलीज किस देश में रिलीज़ हुई थी इन सभी के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है तो वीडियो, है वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा दोस्तों मैंने प्यार किया यह उन्नीस की फिल्म है जो कि सूरज बढ़ के द्वारा निर्देशित की गई एक हिंदी भाषा की प्रेम कहानी फिल्म है प्रमुख भूमिकाओं में लीड रोल में जो नजर आने वाले कलाकार हैं वो सलमान खान हैं और भाग्यश्री हैं इसे राजश्री प्रोडक्शन के द्वारा बनाया गया था यह सूरज के निर्देशक के रूप में शुरुआत सलमान खान की पहली प्रमुख भूमिका पिछले वर्ष की बीवी हो तो ऐसी सहायक भूमिका के बाद रही थी और यह जो है फिल्म काफी अच्छी और हिट साबित हुई थी सबसे पहले आपको बता दें कि यह कमाई करने वाली सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक रही थी इसमें लक्ष्मीकांत बेरडे आलोकनाथ मोहिनीस बगल ने भी काम किया था इस कहानी की मुख्य किरदार में आपको देखा जाएगा इस फिल्म में आपको दिखाई देगा मुख्य रूप से करण यानी कि आलोकनाथ अपनी इकलौती बेटी सुमन यानी कि भागेश्वरी के साथ ग्रामीण इलाके में रहते हैं वो अपनी बेटी के साथ ही पैसे कमाने वाले दुबई जाने की सोचता है ये फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है काफ़ी मज़ेदार है जिसमें कि सलमान खान के करियर की सबसे बेहतरीन फिल्म ये साबित हो रही है क्योंकि यह फिल्म जो है मैंने प्यार किया इस फिल्म में आपको कई सारे अच्छे किरदार कई सारे अहम रोल देखने को मिलेंगे और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये मूवी है मूवी के रिव्यू भी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त जिंदाबाद आ रहे थे और यह भारत के साथ साथ कई अन्य देशों में भी हिट साबित हुई थी सलमान खान के करियर की सबसे महत्वपूर्ण फिल्मों में से यह एक फिल्म थी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही मैं मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं दोस्तों अगर आप सलमान खान के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा आज की इस वीडियो में सलमान खान के करियर की सबसे बेहतरीन फिल्म मैंने प्यार किया की रिव्यू आपको बताने वाले हैं इस मूवी ने कितना कलेक्शन किया था इसकी लागत कितनी थी यह बॉक्स ऑफिस पर किस तरीके से हिट साबित हुई थी फिल्म में कौन कौन से एक्टर्स और हीरोइनों ने काम किया है यह फिल्म कब रिलीज की गई थी और फिल्म जो है किस तरीके से बॉस बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन कर रही थी इन सभी के बारे में किरदारों के बारे में निर्देशन के बारे में संगीत के बारे में समय सीमा के बारे में भाषा के बारे में कब रिलीज किस देश में रिलीज हुई थी इन सभी के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है तो वीडियो, है वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा दोस्तों मैंने प्यार किया ये उन्नीस की फिल्म है जो कि सूरज भट के द्वारा निर्देशित की गई एक हिंदी भाषा की प्रेम कहानी फिल्म है प्रमुख भूमिकाओं में लीड रोल में जो नज़र आने वाले कलाकार हैं वह सलमान खान हैं और भाग्यश्री हैं इसे राजश्री प्रोडक्शन के द्वारा बनाया गया था यह सूरज के निर्देशक के रूप में शुरुआत सलमान खान की पहली प्रमुख भूमिका पिछले वर्ष की वीवी हो तो ऐसी हिट साबित हुई थी सबसे पहले आपको बता दें कि यह कमाई करने वाली सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक रही थी इसमें लक्ष्मीकांत बेरडे आलोकनाथ मोहिनीस बगल ने भी काम किया था इस कहानी की मुख्य किरदार में आपको देखा जाएगा इस फिल्म में आपको दिखाई देगा मुख्य रूप से करण यानी कि अल उग्राद अपनी इकलौती बेटी सुमन यानी कि भाग्यश्वरी के साथ ग्रामीण इलाके में रहते हैं वो अपनी बेटी के साथ ही पैसे कमाने वाले दुबई जाने की सोचता है यह फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है काफ़ी मज़ेदार है जिसमें कि सलमान खान के करियर की सबसे बेहतरीन फिल्म ये साबित हो रही है क्योंकि यह फिल्म जो है मैंने प्यार किया इस फिल्म में आपको कई सारे अच्छे किरदार कई सारे अहम रोल देखने को मिलेंगे और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग ये मूवी है मूवी के रिव्यू भी काफी ज्यादा जबरदस्त जिंदाबाद आ रहे थे और यह भारत के साथ साथ कई अन्य देशों में भी हिट साबित हुई थी सलमान खान के करियर के सबसे महत्वपूर्ण फिल्मों में से यह एक फिल्म थी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही मैं वेलकम मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं दोस्तों अगर आप सलमान खान के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा आज की इस वीडियो में सलमान खान के करियर की सबसे बेहतरीन फिल्म मैंने प्यार किया कि रिव्यू आपको बताने वाले हैं इस मूवी ने कितना कलेक्शन किया था इसकी लागत कितनी थी यह बॉक्स ऑफिस पर किस तरीके से हिट साबित हुई थी फिल्म में कौन कौन से एक्टर्स और हीरोइनों ने काम किया है यह फिल्म कब रिलीज़ की गई थी और फिल्म जो है किस तरीके से बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन कर रही थी इन सभी के बारे में किरदारों के बारे में निर्देशन के बारे में संगीत के बारे में समय सीमा के बारे में भाषा के बारे में कब रिलीज किस देश में रिलीज़ हुई थी इन सभी के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा दोस्तों मैंने प्यार किया यह उन्नीस की फिल्म है जो कि सूरज बढ़जायता के द्वारा निर्देशित की गई एक हिंदी भाषा की प्रेम कहानी फिल्म है प्रमुख भूमिकाओं में लीड रोल में जो नजर आने वाले कलाकार हैं वो सलमान खान हैं और भाग्यश्री हैं। इसे राजश्री प्रोडक्शन के द्वारा बनाया गया था यह सूरज के निर्देशक के रूप में शुरुआत सलमान खान की पहली प्रमुख भूमिका पिछले वर्ष की बीवी हो तो ऐसी सहायक भूमिका के बाद रही थी और यह जो है फिल्म काफी अच्छी और हिट साबित हुई थी सबसे पहले आपको बता दें कि यह कमाई करने वाली सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक रही थी इसमें लक्ष्मीकांत बेरडे आलोकनाथ मोहिनीस बगल ने भी काम किया था इस कहानी की मुख्य किरदार में आपको देखा जाएगा इस फिल्म में आपको दिखाई देगा मुख्य रूप से करण यानी कि आलोकनाथ अपनी इकलौती बेटी सुमन यानी कि भागेश्वरी के साथ ग्रामीण इलाके में रहते हैं वो अपनी बेटी की शादी पैसे कमाने वाले दुबई जाने की सोचता है ये फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है काफ़ी मज़ेदार है जिसमें कि सलमान खान के करियर की सबसे बेहतरीन फिल्म ये साबित हो रही है क्योंकि यह फिल्म जो है मैंने प्यार किया इस फिल्म में आपको कई सारे अच्छे किरदार कई सारे अहम रोल देखने को मिलेंगे और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये मूवी है मूवी के रिव्यू भी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त जिंदाबाद आ रहे थे और यह भारत के साथ साथ कई अन्य देशों में भी हिट साबित हुई थी सलमान खान के करियर की सबसे महत्वपूर्ण फिल्मों में से यह एक फिल्म थी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही मैं मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं दोस्तों अगर आप सलमान खान के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा आज की इस वीडियो में सलमान खान के करियर की सबसे बेहतरीन फिल्म मैंने प्यार किया की रिव्यू आपको बताने वाले हैं इस मूवी ने कितना कलेक्शन किया था इसकी लागत कितनी थी या बॉक्स ऑफिस पर किस तरीके से हिट साबित हुई थी फिल्म में कौन कौन से एक्टर्स और हीरोइनों ने काम किया है ये फिल्म कब रिलीज की गई थी और फिल्म जो है किस तरीके से बॉस बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन कर रही थी इन सभी के बारे में किरदारों के बारे में निर्देशन के बारे में संगीत के बारे में समय सीमा के बारे में भाषा के बारे में कब रिलीज किस देश में रिलीज़ हुई थी इन सभी के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है तो वीडियो, है वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा दोस्तों मैंने प्यार किया यह उन्नीस की फिल्म है जो कि सूरज भट के द्वारा निर्देशित की गई एक हिंदी भाषा की प्रेम कहानी फिल्म है प्रमुख भूमिकाओं में लीड रोल में जो नजर आने वाले कलाकार हैं वो सलमान खान हैं और भाग्यश्री हैं इसे राजश्री प्रोडक्शन के द्वारा बनाया गया था यह सूरज के निर्देशक के रूप में शुरुआत सलमान खान की पहली प्रमुख भूमिका पिछले वर्ष की बीवी हो तो ऐसी सहायक भूमिका के बाद रही थी और यह जो है फिल्म काफी अच्छी और हिट साबित हुई थी सबसे पहले आपको बता दें कि यह कमाई करने वाली सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक रही थी इसमें लक्ष्मीकांत बेरडे आलोकनाथ मोहिनीस बगल ने भी काम किया था इस कहानी की मुख्य किरदार में आपको देखा जाएगा इस फिल्म में आपको दिखाई देगा मुख्य रूप से करण यानी कि अलूगुरात अपनी इकलौती बेटी सुमन यानी कि भाग्यश्वरी के साथ ग्रामीण इलाके में रहते हैं वो अपनी बेटी के साथ ही पैसे कमाने वाले दुबई जाने की सोचता है यह फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है काफ़ी मज़ेदार है जिसमें कि सलमान खान के करियर की सबसे बेहतरीन फिल्म ये साबित हो रही है क्योंकि यह फिल्म जो है मैंने प्यार किया इस फिल्म में आपको कई सारे अच्छे किरदार कई सारे अहम रोल देखने को मिलेंगे और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है जिंदाबाद के साथ साथ कई अन्य देशों में भी हिट साबित हुई थी सलमान खान के करियर के सबसे महत्वपूर्ण मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं दोस्तों अगर आप सलमान खान के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा आज की इस वीडियो में सलमान खान के करियर की सबसे बेहतरीन फिल्म मैंने प्यार किया कि रिव्यू आपको बताने वाले हैं इस मूवी ने कितना कलेक्शन किया था इसकी लागत कितनी थी यह बॉक्स ऑफिस पर किस तरीके से हिट साबित हुई थी फिल्म में कौन कौन से एक्टर्स और हीरोइनों ने काम किया है यह फिल्म कब रिलीज की गई थी और फिल्म जो है किस तरीके से बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन कर रही थी इन सभी के बारे में किरदारों के बारे में निर्देशन के बारे में संगीत के बारे में समय सीमा के बारे में भाषा के बारे में कब रिलीज किस देश में रिलीज हुई थी इन सभी के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा दोस्तों मैंने प्यार किया यह उन्नीस की फिल्म है जो कि सूरज भट के द्वारा निर्देशित की गई एक हिंदी भाषा की प्रेम कहानी फिल्म है प्रमुख भूमिकाओं में लीड रोल में जो नजर आने वाले कलाकार हैं वो सलमान खान हैं और भाग्यश्री हैं इसे राजश्री प्रोडक्शन के द्वारा बनाया गया था यह सूरज के निर्देशक के रूप में शुरुआत सलमान खान की पहली प्रमुख भूमिका पिछले वर्ष की बीवी हो तो ऐसी सहायक भूमिका के बाद रही थी और यह जो है फिल्म काफी अच्छी और हिट साबित हुई थी सबसे पहले आपको बता दें कि यह कमाई करने वाली सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक रही थी इसमें लक्ष्मीकांत बेरडे आलोकनाथ मोहिनीस बगल ने भी काम किया था इस कहानी की मुख्य किरदार में आपको देखा जाएगा इस फिल्म में आपको दिखाई देगा मुख्य रूप से करण यानी कि आलोकनाथ अपनी इकलौती बेटी सुमन यानी कि भाग्यश्वरी के साथ ग्रामीण इलाके में रहते हैं वो अपनी बेटी के शादी पैसे कमाने वाले दुबई जाने की सोचता है ये फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है काफ़ी मज़ेदार है जिसमें कि सलमान खान के करियर की सबसे बेहतरीन फिल्म ये साबित हो रही है क्योंकि यह फिल्म जो है मैंने प्यार किया इस फिल्म में आपको कई सारे अच्छे किरदार कई सारे अहम रोल देखने को मिलेंगे और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये मूवी है मूवी के रिव्यू भी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त जिंदाबाद आ रहे थे और ये भारत के साथ साथ कई अन्य देशों में भी हिट साबित हुई थी सलमान खान के करियर की सबसे महत्वपूर्ण फिल्मों में से यह एक फिल्म थी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही मैं मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं दोस्तों अगर आप सलमान खान के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा आज की इस वीडियो में सलमान खान के करियर की सबसे बेहतरीन फिल्म मैंने प्यार किया की रिव्यू आपको बताने वाले हैं इस मूवी ने कितना कलेक्शन किया था इसकी लागत कितनी थी यह बॉक्स ऑफिस पर किस तरीके से हिट साबित हुई थी फिल्म में कौन कौन से एक्टर्स और हीरोइनों ने काम किया है यह फिल्म कब रिलीज की गई थी और फिल्म जो है किस तरीके से बॉस बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन कर रही थी इन सभी के बारे में किरदारों के बारे में निर्देशन के बारे में संगीत के बारे में समय सीमा के बारे में भाषा के बारे में कब रिलीज किस देश में रिलीज हुई थी इन सभी के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा दोस्तों मैंने प्यार किया यह उन्नीस की फिल्म है जो कि सूरज बढ़ के द्वारा निर्देशित की गई एक हिंदी भाषा की प्रेम कहानी फिल्म है प्रमुख भूमिकाओं में लीड रोल में जो नजर आने वाले कलाकार हैं वो सलमान खान हैं और भाग्यश्री हैं इसे राजश्री प्रोडक्शन के द्वारा बनाया गया था यह सूरज के निर्देशक के रूप में शुरुआत सलमान खान की पहली प्रमुख भूमिका पिछले वर्ष की बीवी हो तो ऐसी सहायक भूमिका के बाद रही थी और यह जो है फिल्म काफी अच्छी और हिट साबित हुई थी सबसे पहले आपको बता दें कि यह कमाई करने वाली सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक रही थी इसमें लक्ष्मीकांत बेरडे आलोकनाथ मोहिनीस बगल ने भी काम किया था इस कहानी की मुख्य किरदार में आपको देखा जाएगा इस फिल्म में आपको दिखाई देगा मुख्य रूप से करण यानी कि अलूगदात अपनी इकलौती बेटी सुमन यानी कि भागेश्वरी के साथ ग्रामीण इलाके में रहते हैं वो अपनी बेटी के साथ ही पैसे कमाने वाले दुबई जाने की सोचता है यह फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है काफ़ी मज़ेदार है जिसमें कि सलमान खान के करियर की सबसे बेहतरीन फिल्म ये साबित हो रही है क्योंकि यह फिल्म जो है मैंने प्यार किया इस फिल्म में आपको कई सारे अच्छे किरदार कई सारे अहम रोल देखने को मिलेंगे और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है मूवी के रिव्यू भी काफी ज्यादा जबरदस्त जिंदाबाद आ रहे थे और यह भारत के साथ साथ कई अन्य देशों में भी हिट साबित हुई थी सलमान खान के करियर के सबसे महत्वपूर्ण फिल्मों में से यह एक फिल्म थी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही मैं मिलता मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं दोस्तों अगर आप सलमान खान के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा आज की इस वीडियो में सलमान खान के करियर की सबसे बेहतरीन फिल्म मैंने प्यार किया की कि रिव्यू आपको बताने वाले हैं इस मूवी ने कितना कलेक्शन किया था इसकी लागत कितनी थी यह बॉक्स ऑफिस पर किस तरीके से हिट साबित हुई थी फिल्म में कौन कौन से एक्टर्स और हीरोइनों ने काम किया है यह फिल्म कब रिलीज की गई थी और फिल्म जो है किस तरीके से बॉस बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन कर रही थी इन सभी के बारे में किरदारों के बारे में निर्देशन के बारे में संगीत के बारे में समय सीमा के बारे में भाषा के बारे में कब रिलीज किस देश में रिलीज हुई थी इन सभी के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा दोस्तों मैंने प्यार किया यह उन्नीस की फिल्म है जो कि सूरज बढ़ के द्वारा निर्देशित की गई एक हिंदी भाषा की प्रेम कहानी फिल्म है प्रमुख भूमिकाओं में लीड रोल में जो नजर आने वाले कलाकार हैं वो सलमान खान हैं और भाग्यश्री हैं इसे राजश्री प्रोडक्शन के द्वारा बनाया गया था यह सूरज के निर्देशक के रूप में शुरुआत सलमान खान की पहली प्रमुख भूमिका पिछले वर्ष की बीवी हो तो ऐसी सहायक भूमिका के बाद रही थी और यह जो है फिल्म काफी अच्छी और हिट साबित हुई थी सबसे पहले आपको बता दें कि यह कमाई करने वाली सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक रही थी इसमें लक्ष्मीकांत बेरडे आलोकनाथ मोहिनीस बगल ने भी काम किया था इस कहानी की मुख्य किरदार में आपको देखा जाएगा इस फिल्म में आपको दिखाई देगा मुख्य रूप से करण यानी कि आलोकनाथ अपनी इकलौती बेटी सुमन यानी कि भाग्यश्री के साथ ग्रामीण इलाके में रहते हैं वो अपनी बेटी की शादी पैसे कमाने वाले दुबई जाने की सोचता है ये फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है काफ़ी मज़ेदार है जिसमें कि सलमान खान के करियर की सबसे बेहतरीन फिल्म ये साबित हो रही है क्योंकि यह फिल्म जो है मैंने प्यार किया इस फिल्म में आपको कई सारे अच्छे किरदार कई सारे अहम रोल देखने को मिलेंगे और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये मूवी है मूवी के रिव्यू भी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त जिंदाबाद आ रहे थे और यह भारत के साथ साथ कई अन्य देशों में भी हिट साबित हुई थी सलमान खान के करियर की सबसे महत्वपूर्ण फिल्मों में से यह एक फिल्म थी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही मैं की और एक वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं सलमान खान के, फैंस हैं, तो वीडियो को करके दोस्तों के साथ आज की इस वीडियो में सलमान खान के करियर की सबसे बेहतरीन फिल्म मैंने प्यार किया की रिव्यू आपको बताने वाले हैं इस मूवी ने कितना कलेक्शन किया था इसकी लागत कितनी थी यह बॉक्स ऑफिस पर किस तरीके से हिट साबित हुई थी फिल्म में कौन कौन से एक्टर्स और हीरोइनों ने काम किया है यह फिल्म कब रिलीज की गई थी और फिल्म जो है किस तरीके से बॉस बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन कर रही थी इन सभी के बारे में किरदारों के बारे में निर्देशन के बारे में संगीत के बारे में समय सीमा के बारे में भाषा के बारे में कब रिलीज किस देश में रिलीज हुई थी इन सभी के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है तो वीडियो, है वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा दोस्तों मैंने प्यार किया ये उन्नीस की फिल्म है जो कि सूरज बढ़जायता के द्वारा निर्देशित की गई एक हिंदी भाषा की प्रेम कहानी फिल्म है प्रमुख भूमिकाओं में लीड रोल में जो नज़र आने वाले कलाकार हैं वह सलमान खान हैं और भाग्यश्री हैं इसे राजश्री प्रोडक्शन के द्वारा बनाया गया था यह सूरज के निर्देशक के रूप में शुरुआत सलमान खान की पहली प्रमुख भूमिका पिछले वर्ष की हो तो ऐसी सहायक भूमिका के बाद रही थी और और यह जो है फिल्म काफी अच्छी हिट साबित हुई थी सबसे पहले आपको बता दें कि यह कमाई करने वाली सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक रही थी इसमें लक्ष्मीकांत बेरडे आलोकनाथ मोहिनीस बगल ने भी काम किया था इस कहानी की मुख्य किरदार में आपको देखा जाएगा इस फिल्म में आपको दिखाई देगा मुख्य रूप से करण यानी कि अल उग्रात अपनी इकलौती बेटी सुमन यानी कि भाग्यश्वरी के साथ ग्रामीण इलाके में रहते हैं वो अपनी बेटी के साथ ही पैसे कमाने वाले दुबई जाने की सोचता है यह फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है काफ़ी मज़ेदार है जिसमें कि सलमान खान के करियर की सबसे बेहतरीन फिल्म ये साबित हो रही है क्योंकि यह फिल्म जो है मैंने प्यार किया इस फिल्म में आपको कई सारे अच्छे किरदार कई सारे अहम रोल देखने को मिलेंगे और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग ये मूवी है मूवी के रिव्यू भी काफी ज्यादा जबरदस्त जिंदाबाद आ रहे थे और यह भारत के साथ साथ कई अन्य देशों में भी हिट साबित हुई थी सलमान खान के करियर के सबसे महत्वपूर्ण फिल्मों में से यह एक फिल्म थी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही मैं वेल्कम मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं दोस्तों अगर आप सलमान खान के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा आज की इस वीडियो में सलमान खान के करियर की सबसे बेहतरीन फिल्म मैंने प्यार किया कि रिव्यू आपको बताने वाले हैं इस मूवी ने कितना कलेक्शन किया था इसकी लागत कितनी थी यह बॉक्स ऑफिस पर किस तरीके से हिट साबित हुई थी फिल्म में कौन कौन से एक्टर्स और हीरोइनों ने काम किया है यह फिल्म कब रिलीज़ की गई थी और फिल्म जो है किस तरीके से बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन कर रही थी इन सभी के बारे में किरदारों के बारे में निर्देशन के बारे में संगीत के बारे में समय सीमा के बारे में भाषा के बारे में कब रिलीज किस देश में रिलीज़ हुई थी इन सभी के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है तो वीडियो तो को पूरा ज़रूर देखिएगा उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा दोस्तों मैंने प्यार किया ये उन्नीस की फिल्म है जो कि सूरज बढ़ के द्वारा निर्देशित की गई एक हिंदी भाषा की प्रेम कहानी फिल्म है प्रमुख भूमिकाओं में लीड रोल में जो नजर आने वाले कलाकार हैं वह सलमान खान हैं और भाग्यश्री हैं। इसे राजश्री प्रोडक्शन के द्वारा बनाया गया था यह सूरज के निर्देशक के रूप में शुरुआत सलमान खान की पहली प्रमुख भूमिका पिछले वर्ष की बीवी हो तो ऐसी सहायक भूमिका के बाद रही थी और यह जो है फिल्म काफी अच्छी और हिट साबित हुई थी सबसे पहले आपको बता दें कि यह कमाई करने वाली सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक रही थी इसमें लक्ष्मीकांत बेरडे आलोकनाथ मोहिनीस बगल ने भी काम किया था इस कहानी की मुख्य किरदार में आपको देखा जाएगा इस फिल्म में आपको दिखाई देगा मुख्य रूप से करण यानी कि आलोकनाथ अपनी इकलौती बेटी सुमन यानी कि भाग्यश्री के साथ ग्रामीण इलाके में रहते हैं वो अपनी बेटी की शादी पैसे कमाने वाले दुबई जाने की सोचता है ये फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है काफ़ी मज़ेदार है जिसमें कि सलमान खान के करियर की सबसे बेहतरीन फिल्म ये साबित हो रही है क्योंकि यह फिल्म जो है मैंने प्यार किया इस फिल्म में आपको कई सारे अच्छे किरदार कई सारे अहम रोल देखने को मिलेंगे और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग यह मूवी है मूवी के रिव्यू भी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त जिंदाबाद आ रहे थे और यह भारत के साथ साथ कई अन्य देशों में भी हिट साबित हुई थी सलमान खान के करियर की सबसे महत्वपूर्ण फिल्मों में से यह एक फिल्म थी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही मैं मिलता हूँ मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं दोस्तों अगर आप सलमान खान के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा आज की इस वीडियो में सलमान खान के करियर की सबसे बेहतरीन फिल्म मैंने प्यार किया की कि रिव्यू आपको बताने वाले हैं इस मूवी ने कितना कलेक्शन किया था इसकी लागत कितनी थी यह बॉक्स ऑफिस पर किस तरीके से हिट साबित हुई थी फिल्म में कौन कौन से एक्टर्स और हीरोइनों ने काम किया है यह फिल्म कब रिलीज की गई थी और फिल्म जो है किस तरीके से बॉस बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन कर रही थी इन सभी के बारे में किरदारों के बारे में निर्देशन के बारे में संगीत के बारे में समय सीमा के बारे में भाषा के बारे में कब रिलीज किस देश में रिलीज़ हुई थी इन सभी के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा दोस्तों मैंने प्यार किया उन्नीस सौ की फिल्म है जो कि सूरज भट के द्वारा निर्देशित की गई एक हिंदी भाषा की प्रेम कहानी फिल्म है प्रमुख भूमिकाओं में लीड रोल में जो नजर आने वाले कलाकार हैं वो सलमान खान हैं और भाग्यश्री हैं इसे राजश्री प्रोडक्शन के द्वारा बनाया गया था यह सूरज के निर्देशक के रूप में शुरुआत सलमान खान की पहली प्रमुख भूमिका पिछले वर्ष की हिट साबित हुई थी सबसे पहले आपको बता दें कि यह कमाई करने वाली सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक रही थी इसमें लक्ष्मीकांत बेरडे आलोकनाथ मोहिनीस बगल ने भी काम किया था इस कहानी की मुख्य किरदार में आपको देखा जाएगा इस फिल्म में आपको दिखाई देगा मुख्य रूप से करण यानी कि अलूगुरात अपनी इकलौती बेटी सुमन यानी कि भाग्यश्वरी के साथ ग्रामीण इलाके में रहते हैं वो अपनी बेटी के साथ ही पैसे कमाने वाले दुबई जाने की सोचता है ये फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है काफ़ी मज़ेदार है जिसमें कि सलमान खान के करियर की सबसे बेहतरीन फिल्म ये साबित हो रही है क्योंकि यह फिल्म जो है मैंने प्यार किया इस फिल्म में आपको कई सारे अच्छे किरदार कई सारे अहम रोल देखने को मिलेंगे और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी मूवी है के रिव्यू भी काफी ज्यादा जबरदस्त जिंदाबाद आ रहे थे और यह भारत के साथ साथ कई अन्य देशों में भी हिट साबित हुई थी सलमान खान के करियर की सबसे महत्वपूर्ण फिल्मों में से यह एक फिल्म थी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही मैं मिलता